रायपुर लोकसभा के निर्वाचित सांसद सुनील सोनी निर्वाचित होने के बाद पहली बार तिल्दा पहुँचे। तिल्दा में वहाँ के नागरिकों के द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और मंच पे आशिता श्री भागवली साहू जी, श्री ईश्वर यदु जी, श्री हेमचंद वर्मा जी, राजेंद्र साहू जी, मनोज निषाद जी, भाई लक्ष्मीचंद नागवानी जी, कृपाराम पटेल जी, सुनील सोनी जी, भाई महामंत्री सौरभ जैन जी, आपसे भी आग्रह है, आप भी पुष्पहार से स्वागत करेंगे। विश्वनाथ चौहान जी, केर भूषण शर्मा जी, वसंत वस्त्रकार जी, वसंत जी, मनन वर्मा जी, कुंभ डहरिया जी, संतोषी वर्मा महिला मोर्चा अध्यक्ष है, देवकी बागबार महिला मोर्चा अध्यक्ष, आप भी स्वागत करेंगे। जिला कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती नंदी खिचड़िया जी, आप भी स्वागत करेंगे। अनुराधा वर्मा जी, श्रीमती अंजू पाठक, अमीना बेगम जी, मुन्नीगिरी गोस्वामी जी, बेबी गोस्वामी जी, संगीता। इस अवसर पर उनके साथ वरिष्ठ भाजपा नेता अंजय शुक्ला, अनिल जैन सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। आम लोगों को संबोधित करते हुए सांसद सुनील सोनी ने कहा कि उन्होंने सांसद निधि की एक एक पाई ईमानदारी से खर्च करने की कसम खाई है। उन्होंने इस राशि को का एक एक रुपया आम जनता की भलाई में व राज्य के विकास में खर्च करने की बात कही कि जो सांसद निधि मिलती है 5 करोड़ रुपए साल की, उसको ईमानदारी से खर्च करेंगे। उसमें 1 रुपए भी सुनील सोनी को नहीं चाहिए, इस बात का मैं वचन देता हूं आपको, क्योंकि नेता के कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर हमने आपसे वोट मांगा है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद को आपने बनाया है। सुनील सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर से 370 धारा हटाकर न केवल देशवासियों का सपना साकार किया है, बल्कि उन अमर शहीदों का सपना भी साकार किया है। इनकी आकांक्षा थी कि इस देश में एक झंडा और एक ही नारा हो। जो हम लोग बचपन से नारा लगाते थे, छोटे छोटे थे तब से नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, ये हम लोग नारा लगाते थे। और मोदी जी और अमित शाह जी ने कश्मीर के अंदर में धारा 370 और 35 ए को समाप्त करके इस बात को साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का नारा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना, उस सपने को पूरा किया।